नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बागी बिगाड़ेंगे खेल। सही सुना आपने, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। बागियों के चुनावी मैदान में उतरने से कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित होने के बाद कांग्रेस के 36 और बीजेपी के 33 बागियों ने निर्दलीय या छोटे दलों के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। उधर हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले बीजेपी नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी की जिंद रैली में पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व सांसद अशोक तंवर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन टिकट वितरण के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावत हो गई। हफ्तों चले प्रचार के बाद हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कम 30 सीटों पर चुनाव बहुकोणीय मुकाबले में बदल गया है। बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता ने बागी हुए नेताओं को मनाने की कोशिशें भी की और कई से अपना नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें मनाने में कामयाब भी रहे, लेकिन कई बागी नेता अभी भी मैदान में हैं और उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में द्विध्रुवीय मुकाबले को बहुकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। उनकी मौजूदगी से वोट बंटने और हरियाणा में शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा है। जहां बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर और पुनर्जीवित कांग्रेस के कारण कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख बागियों में बीजेपी के कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल की मां और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शामिल हैं। वह बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार और स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। जिंदल परिवार हिसार में एक प्रभावशाली परिवार है और सावित्री जिंदल की मौजूदगी बीजेपी के कमल गुप्ता के लिए कड़ी चुनौती है। करनाल, फरीदाबाद और जिंद जैसे कड़े मुकाबले वाले क्षेत्रों में विद्रोहियों का प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहां जीत का अंतर कम हो सकता है और विद्रोही वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं। जिंद जिले में कांग्रेस के बागी प्रदीप गिल और बीजेपी के बागी जसबीर देशवाल से दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। फरीदाबाद में असंतुष्ट बीजेपी नेता दीपक डागर उस क्षेत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस को 90 सीटों के लिए 2,556 आवेदन मिले। पार्टी ने बगावत रोकने के लिए नामांकन के आखिरी दिन तक अपनी सूची जारी करने में देरी की, लेकिन फिर भी बगावत को रोक नहीं सके। तो चुनाव प्रचार अब जिस तरह से अब उसके आखिरी चरण की बात हो गई और अब तो 8 अक्टूबर को वैसे नतीजे भी आ जाएंगे और ऐसे में बागियों ने जो अपना नामांकन कर दिया है उससे कहीं ना कहीं दोनों प्रमुख दलों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मुश्किल यह बात है कि जहां पर मुकाबला दो पक्षों के बीच था वहां मुकाबला अब बहुकोणीय हो गया है। ऐसे में अब यह दोनों बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के लिए कड़ी चेतावनी है और एक मुश्किल भरा सफर भी है, क्योंकि यदि बात करें देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की तो वह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र पर भी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज के खिलाफ परमल परी को मैदान में उतारा है। अंबाला शहर के उम्मीदवार निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वह आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार से अधिक मजबूत भी बनकर उभरी हैं। और निर्दलियों से इन दोनों प्रमुख पार्टियों को कितना खतरा है या खतरा हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से हमारे साथ रामराजी शर्मा साहब जुड़े हैं, तो वहीं यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ दिनेश अग्रवाल साहब जुड़े हैं और बतौर राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है।
तो सबसे पहले शर्मा साहब आप ही के पास आते हैं। मुश्किलें आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का असर है, दूसरा आपके बड़े नेता अशोक तंवर की बात करें तो उन्होंने सब कुछ होने के बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कई बागी नेताएं हैं, सावित्री जिंदल की बात करें तो वो भी आप ही के उम्मीदवार को कष्ट दे सकती हैं। ये आपको लगता है कि इनके मैदान में उतरने से आपको जो एक मुश्त वोट मिलता उसमें कहीं कोई कमी आएगी, या फिर आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता? शर्मा साहब, चलिए ठीक है, लगता है शर्मा साहब से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया है। अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अग्रवाल साहब, ये प्रश्न आपके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बीजेपी के लिए है, क्योंकि कुल यदि बात करें तो तकरीबन, गलत नहीं हूं मैं तो, 36 उम्मीदवार हैं जो आपकी भी टेंशन बढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इन उम्मीदवारों के बागी हो जाने से या निर्दलीय नामांकन भरने से आपके लिए कोई मुश्किल है, या फिर आपको लगता है नहीं इस बार तो कांग्रेस को निर्दलीय और बीजेपी दोनों में से कोई नहीं रोक सकता? जी कुणाल भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमन। मैं, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल अग्रवाल जी, मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि पिछले 10 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर डिलीवरी दी होती हरियाणा प्रदेश में, तो उनको लोकसभा चुनाव से मात्र 2 महीने पहले अपना सीएम नहीं बदलना पड़ता। जिस तरीके से मनोहर लाल जी को इन्होंने यहाँ से हटाया, हालांकि आज कहने को वो कुछ भी कहते रहे कि हम उनको केंद्र में ले गए, लेकिन केंद्र में ले जाने वाली जो बातें हैं ना, ये तो 2019 में भी हो सकती थी, उस समय भी चाहते तो ले जाते, लेकिन इनको दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का जो कार्यकाल है वो जिस तरीके का रहा है, वो मैं अगर मुद्दों को गिनाने लगूंगा तो इतने मुद्दे हैं कि शायद आधा घंटा आपकी डिबेट का समय निकल जाएगा, लेकिन और लोगों को भी बोलना है, इसलिए मैं समय सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 10 साल में मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा, हरियाणा प्रदेश की जनता, केवल जनता जनता नहीं, हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनसे मायूस था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोकसभा चुनाव में 19,812 बूथ जहां थे, उनमें से 10,072 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, और एक बूथ पर इनके कुणाल भाई 40 से ज्यादा पन्ना प्रमुख हैं, जो ये पन्ना प्रमुख बताते हैं कि भाई हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। 4 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुख एक छोटे से राज्य के अंदर जब इनके चुनाव हार जाते हैं तो आप मान सकते हो कि कितनी बड़ी हताशा और निराशा इनके कार्यकर्ताओं में है। हाँ, आज हरियाणा प्रदेश की जनता 10 साल के इनके कुशासन से जहां चौड़े में खड़े होकर दिन दहाड़े आंसू बहा रही है कि हमसे क्या गलती हुई कि हमने ऐसी सरकार चुन ली जिस सरकार ने ना केवल खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव किया बल्कि किसानों के सिरों में लाठियां मारने का काम किया। अगर नोटबंदी की बात करें तो वो भी आपके सामने है कि नोटबंदी में किस तरीके से लोगों को लाइनों में खड़े रहकर कितने लोग बेहोश हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग अपने घरों को गए, रास्ते में कितने लोगों की मौत हुई, और जिस तरीके से अभी पीछे भी 2020 के अंदर कोरोना की बीमारी के चलते उसके नाम पर जो लोगों को जो कुछ झेलना पड़ा, हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में ना ऑक्सीजन थी, ना डॉक्टर थे, ना बेड थे, इस तरीके की परिस्थितियां, बाकी मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे महंगाई दिन पे दिन बढ़ी, जब कांग्रेस गई थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था और इन्होंने 1100 रुपए का सिलेंडर पहुंचा दिया। अगर हम महंगाई के बाद भ्रष्टाचार की बात करें तो जिस तरीके से इन लोगों के 3.5-3.3 करोड़ रुपए HPSC के दफ्तर में पकड़े गए, और एक सबसे बड़ी जो चीज आई सामने कि एक आशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति थे जो आपके परमाणु हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और उनको इन्होंने अंधों के कोटे के अंदर HPSC में टॉप का रैंक दे दिया, जबकि उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो परमाणु से बना हुआ है, गाड़ी वो चलाते हैं, हरियाणा के निवासी नहीं है, और उनको हरियाणा का मूल निवासी बताकर अंधों के कोटे में जिस तरीके से टॉप रैंक दिया गया उससे बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है कि पर्ची भी चली और खर्ची भी चली। ठीक, और जबकि ये बार बार इस बात का दावा करते हुए नहीं थकते कि हमारी सरकार में कोई पर्ची नहीं थी, खर्ची नहीं थी, 80 से ज्यादा इन्होंने SDO भर्ती किए, उनके अंदर एक भी हरियाणा प्रदेश का बच्चा नहीं था, दूसरे प्रदेशों के बच्चों को उठाकर लगा दिया गया। जब हम प्रश्न करते हैं तो ये कहते हैं कि वो मेरिट के ऊपर आए थे, क्या हरियाणा प्रदेश का कोई बच्चा योग्य नहीं था जो उस मेरिट में आ सकता था? 80 के 80 दूसरे प्रदेशों से आए, तो मुझे बता, इस बात को मैं
स्पष्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे। ठीक है अग्रवाल साहब, ये तो आपने बीजेपी की कमियां गिनाई, ठीक है, और आप इसको अपने एडवांटेज के तौर पर ले रहे हैं, जनता डिसाइड करेगी, लेकिन ये भी तो बता दीजिए कि निर्दलीय जो ताल ठोक रहे हैं आपके पार्टी के तरफ से भी, उससे आपको कुछ नुकसान होगा या आपको लगता है वोट तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर गिरता है और निर्दलीयों की उतनी साख नहीं है? कुणाल भाई मैं उसी पे आना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग इसलिए बतानी थी कि कांग्रेस को निर्दलियों से नुकसान क्यों नहीं है, उसका रीजन मुझे बताना था। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो चीजें आप समझ लीजिए। नंबर एक, हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर की उद्योगपति है सावित्री जिंदल, पूरे इंडिया के अंदर दूसरे तीसरे नंबर की जो उद्योगपति है, सबसे बड़ी अमीर महिला है वो हिंदुस्तान। ठीक है, अगर अप्रैल के अंदर उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उसकी टिकट लेकर उसकी टिकट पर एमपी बनने का काम करता है और आज वो अगर निर्दलीय लड़ रही है, और कल जिस तरीके से अशोक तंवर जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जिस तरीके से कांग्रेस में वापसी की, इन दोनों बातों का इशारा समझिए आप ये कहां जा रही है। ये तय हो चुका है लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसे ही आए, और जब पता चला कि 400 पार का नारा देने वाले 240 पे सिमट गए, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है जिसके अंदर अभी तो ये जांच होनी बाकी है कि लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा वोटों की हेराफेरी करके उनको जिताने का काम इन लोगों ने किया, अगर वो नहीं होता तो ये 160 पे सिमटने वाले। ठीक है, आपके भी तो लेकिन 36 बागी हैं सर, आप अपने पार्टी को भी तो देखिएगा। कुणाल जी अंतिम लाइन बोल, एक लाइन सिर्फ ओनली। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज पूरे देश में लोगों को समझ आ गया है, जो डर का और भय का माहौल था दो गुजरातियों से, जो लोग डरे हुए थे कि ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पास है, ना जाने ये किसको फंसा देंगे, कहाँ फंसा देंगे, कैसे फंसा देंगे, वो डर अब लोगों का निकल गया है। Okay. और उसी का कारण है कि आज सावित्री जिंदल ने भी अपने पैर बाहर निकाल लिए, वो भाजपा से नहीं डर रही, अमित शाह से नहीं डर रही, मोदी से नहीं डर रही। ओके अग्रवाल साहब नहीं डर रहे। शर्मा साहब बहुत देर से आप सुन रहे हैं, आप हर तथ्यों को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, चुनौती आपके लिए भी है और चुनौती कांग्रेस के लिए भी है, चुनौती किसके लिए बड़ी है ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको क्या लगता है कि आपके लोगों के बागी होने से चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, ममता भगवान का रूप होती है, उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे पास आई नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि देवतुल्य जनता जनार्दन जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के अर्थ सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और 58 साल के बाद में बीजेपी ने ओबीसी समाज से सीएम बनाया है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो सीएम एसईबीसी समाज से आज बनाया और ना ही डिक्लेयर किया, इसे साफ साफ जाहिर होता है भाई एसईबीसी समाज की घोर विरोधी है। और जिस तरह से एक महिला और सबसे की पार्टी की वरिष्ठ नेता और जो 4-5 बार सांसद रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, आदरणीय शैलजा बहन जी का जिस तरह से इन्होंने भी इज्जत किया, उनका उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ, उन्होंने सोनिया गांधी जो इनकी राजमाता है उनसे भी मिलकर आई हूँ और उनको भी इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, फिर भी उनको मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने का। और आज हरियाणा में जन जन के मुंह पे जन की जुबान पे एक बात है और खासकर दलित समाज में कि दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला रक्षी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और जिस तरह से ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। अभी हाल ही में तुषार गोयल कौन है आप बताइए, तुषार गोयल कौन है? 500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है, आप आपकी पार्टी का ड्रग मारिया है तुषार गोयल और वो पैसा पकड़ा गया है, आप उसको चुनाव में यूज करना चाह रहे थे, तुषार गोयल कौन है बताइए? कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा तुषार गोयल जो आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा का, उनके साथ और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में फोटो
उनके फोटो आई है और उनका दीपेंद्र जी का नंबर भी उनके पास मिला है, और दूसरा दूसरा आपकी पार्टी का वो पदाधिकारी अपॉइंटमेंट लेटर तक उनका मिला है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आपके ड्रग माफियाओं से संबंध है, और ये पैसा जो उनका पकड़ा गया है ये हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल होना था। और दूसरा आपके दो विधायक, दो एमएलए सिटिंग एमएलए दोनों आपके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हो, क्या कह रहे हैं? एक विधायक कह रहा है, एक उसने पत्रकार ने उनसे पूछा कि गोगी जी बताइए आपके राय में घोटाले हुए हैं, उन्होंने कह रहे बगैर घोटाले के सरकार चलती है क्या? फिर एक और पत्रकार ने उनसे पूछा, वो बताने लगे कि भैया जो अपने सगे संबंध आएंगे प्यारे मिटाएंगे उनका भी ख्याल करेंगे, उससे पहले तो अपना घर भरेंगे। चलिए ठीक है शर्मा साहब, शर्मा साहब अब आरोपी है, आरोपी है ना अभी शर्मा साहब, आरोपी है, गिल्टी थोड़ी ना प्रूव हुए हैं। अब किसके साथ किसकी फोटो आ जाती है उसके बेसिस पे हम थोड़ी अब चर्चा करेंगे। शर्मा साहब पहले ये तो बताइए कि आपको बागियों से टेंशन है या फिर आपको टेंशन नहीं है, ये बता दो। हमारे को कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये जनता भगवान रूपी जनता है, जो भगवान का रूप होती है जनता, और ये हमारे को आशीर्वाद दे रही है, और जिस तरह से आशीर्वाद जनता का मिल रहा है हमारे को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी, और हमारे युवाओं के हृदय सम्राट जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे अक्सर जनता के दुश्मन रहते हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं भाई ये मुख्यमंत्री उठी भी सारी है, मैं भी सारा हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी सारा है, मेरा कुछ खुआ पढ़ के अलग है, मेरा सब कुछ शर्मा साहब। भूपेंद्र कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है, बात होगी अभी और, लेकिन अभी हम मुद्दे पे रहते हैं। भूपेंद्र कुमार साहब, ये जिस तरह से कद्दावर नेता अब निर्दलीय की राह पर चल चुके हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं और 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये अपना दावा तकरीबन ठोक रहे हैं, तो इन 30 सीटों पर जो द्रो धड़ों में मुकाबला था वो बहुकोणीय हो गया है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और क्या आपको लगता है कि जो वोट्स होते हैं वो निर्दलीय मतलब एक इंडिविजुअल एंटिटी पर नहीं पार्टी के सिंबल पर पड़ते हैं, क्योंकि जब पार्टी के सिंबल पर ये लड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कार्डर वोट गिरता है, लेकिन जब जब ये निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या इनको उतना एडवांटेज मिलेगा या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है वन फेज का चुनाव है और 90 विधानसभा सीटें हैं, दोनों पार्टियां मुख्य रूप से जो पिछले 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें जेजेपी ने अच्छा 14% वोट पाया था और उनकी अच्छी संख्या लगभग 10 के लगभग थी, विधायक थे, और लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में उनका वोट सिमट के 1% रह गया। ये एक संदेश था कि यहाँ पे कि कांग्रेस ने कुछ अच्छी मेहनत की और कांग्रेस का 43% और 46% बीजेपी का और लगभग 5% लोकसभा सीटें हैं। अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को अपन माने आगे जाके इसको अगर आगे लागू किया जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि उनके बागियों की महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और जहां वो होता है टिकट करता है वो जाता है, तो 36 और लगभग 33 और कुल मिला के 30 विधानसभा सीटों में बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। तो इस परिवेश में अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का अभी जो ग्राफ रूप बन रहा था 20% दलित वोट मान लीजिए और उस वहां का 1/3% वोट जाट वोट है और जाट के नेता के रूप में निश्चित रूप से हुड्डा जी साहब उभरे हुए हैं और उन्होंने अपनी एक लीडिंग करके एक मैसेज दिया है, लेकिन बीजेपी ने खट्टर साहब को जिस 6 महीने पहले जब हटाया तो उसका एक कारण ही नहीं था कि वो एक वो नेता बन गए थे जो जनता से दूर थे और उनके जो एक उनका एक जो माहौल था जो उनका ऑरा था वो जनता से दूर हो गए थे, इसके कारण उनको बदलने के कारण जो उनकी एक छवि बन गई थी जिस सैनी साहब ने उसको काफी सुधारा, क्योंकि वो मिलनसार है हर एक के उसमें जाना और कार्यक्रमों में भागी दे रहा है। ये एक नेता के लिए व्यक्ति का कार्य भले ना हो लेकिन अगर व्यक्ति अपने नेता को अपने बीच में पाता है तो एक बहुत बड़ा उसको एक बहुत अच्छी सहानुभूति मिलती है। बिल्कुल, और ये सहानुभूति निश्चित रूप से जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं उस विधानसभा में वो कांग्रेस की सीट है, देखिए अब इस बार, लेकिन क्योंकि वो 5 या 6 हजार की वोटिंग से हारे थे, बीजेपी हारी थी, लेकिन जो अभी
15 से 20 दिन में जो बीजेपी के अंशांगिक संगठन हैं, जो बेस रूप से जो उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, उनके जो वॉलेंटियरों ने वहां पे जो काम किया है उससे उन्होंने जो उनके जो बागी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन बागी कैंडिडेटों को काफी कुछ जो उनका जो पार्टी कार्डर वोट है वो ही वोट शिफ्ट करने में उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है और इस परिवेश में वो काफी अच्छे फ्रंट लाइन पे आ गए हैं। अब बात यहाँ ये बनती है कि ये थर्ड जो मेजोरिटी बनती है, जैसे आप पार्टी और जो जेजेपी और जो चंद्रशेखर की पार्टी ने जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ ये धरातल पर लग रहा है कि उन्होंने जब उपमुखन रह के कोई कार्य नहीं किया और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार किया, तो उन इशू के कारण उसमें उनका वजन बढ़ना, क्योंकि लोकसभा में उनका अभी ही इसी साल इलेक्शन हुए थे अप्रैल में, तो उसके कारण वो चेंजेस हो पाना और उसको गोल में बदल पाना तो बहुत कठिन है। लेकिन जो एक तरफा जो कांग्रेस की जो स्थिति बन रही थी, और कांग्रेस इस समय निश्चित रूप से लोकसभा में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वहां पे संगठनात्मक, लेकिन उसके साथ एक परेशानी ये है वो बागी वाली, और क्योंकि बागी वहां पे क्या होता है, जो कार्डर का वोटर होता है, जो पार्टी के कार्डर का वोटर होता है, वो वोटर न टल के वो व्यक्ति का इंडिविजुअल वोट भी वहां होता है, और ये बीजेपी के लिए यहाँ बेनिफिट होता है। बीजेपी का जो वोट होता है वो कार्डर का वोट होता है, वो पार्टी का वोट एक दो जैसे जिंदल नवीन जिंदल की जो मां खड़ी हो रही वो वहां पे जरूर इन्फ्लुएंस हो सकता है, दो चार विधानसभा में हो सकता है, लेकिन लेकिन कांग्रेस के लिए जो उल्टा पड़ जाता है कई बार, क्योंकि कांग्रेस जो है व्यक्ति सह कार्यकर्ता जोड़ते हैं जिसके कारण उनको डैमेज करना और उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। लेकिन अब परिणाम तो 8 तारीख को आएंगे वो होगा, लेकिन दोनों पार्टियां इस चीज से जूझ रही है और यह तकनी मुकाबला हो रहा है। और अभी जो जिस तरह से अगर आप भी इसमें एक आध दो, क्योंकि उसको लोकसभा में 3% वोट मिला था, तो हो सकता है कि वो कहीं से कुछ अगर वो अपने समीकरण कुछ बनाती है, क्योंकि उससे कांग्रेस से नुकसान हुआ है, तो अब अगर वो जिस तरह से छूट के आए हैं केजरीवाल जी जमानत पे हैं और क्या उसको फेस करते हैं, लेकिन अभी मुख्य काटा अभी बीजेपी और कांग्रेस में ही लग रहा है। लेकिन अगर ये बागी के रूप में अगर अपने आप को कर लेते हैं तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। ओके भूपेंद्र साहब, ओके ओके। तो अग्रवाल साहब, ये राह जितनी आसान लग रही थी ना कांग्रेस के लिए, अब कहीं ना कहीं आप ही के लोगों ने थोड़ी सी राह मुश्किल भी कर दी है। क्या ये थॉट प्रोसेस में था पहले, क्योंकि आपने जब सूची को फाइनल करने की भी बात हुई थी तो आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पत्ते खोले थे, आपको शायद यह डर था कि कुछ इस तरह के तत्व हैं जो निकल कर बाद में परेशानी का सबब बन सकते हैं, और वो हुआ भी कुछ हद तक। फरीदाबाद, अंबाला, जींद, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर यह मामला काफी फंस गया है। आपको लगता है कि कांग्रेस इससे पार पा जाएगी और वोटों का जो बंटवारा होगा उससे कोई ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं? अग्रवाल साहब, कुणाल भाई, मैं आपके प्रश्न का जवाब अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट है मेरा तो, हेलो, हाँ बोलिए सर। अनम्यूट है सर? नहीं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंच रही? हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है। सर, मैं ये कह रहा था कि पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं या जो आरोप भाजपा ने लगाए उसका उत्तर दूं? पहले पहले तुषार गोयल के बारे में बताओ। तुषार गोयल आपकी पार्टी का पदाधिकारी है, 500 करोड़ रुपए पकड़े, ठीक है, लीड आप कर रहे हैं, जो आप कहेंगे पहले उसका उत्तर दूंगा, ठीक है, ओके। तो राम राजी शर्मा साहब आपके पास भी आ रहे हैं, उनकी आवाज आने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, अब आप बताइए। चलिए, पार्टी पॉलिटिक्स और ये कौन गिल्टी है, कौन आरोपी है, उसके बीच में नहीं जाएंगे। आपके लिए कठिन चुनौती अब चुनाव की है, 5 तारीख को वोट डलने, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि इस बार तीसरी बार भी आप सरकार में आएंगे या फिर इस बार तीसरी बार? हाँ, जनता भगवान का रूप है और जनता रूपी भगवान हमारे को आशीर्वाद दे रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया उन्होंने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे हरियाणा में भी नायब सैनी जी को जनता आशीर्वाद दे रही है और दूसरी बार वो सीएम बनेंगे, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने जनता की सेवा करी है। और हम इनके जो इनके प्रवक्ता है, इनके पदाधिकारी है, जैसे इनके वो राष्ट्रीय महामंत्री है, वो जनता को राक्षस कहते हैं, राक्षस है। हर बार कहते हैं मैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है, मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूँ। अरे आपका शराब कोई दुर्वासा मनी का शराब है कि भाई? जनता तो भगवान का रूप है,
कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है, जो जनता की सेवा करेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। और आपका आप शराब दे रहे हो भाई, आप जनता ने क्या वोट कर दिया, क्यों शराब दे रहे हैं भाई? शराब उसने दे जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, तो जनता तो भाई भगवान है और जो सेवा करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। लेकिन पिछले बार जेजेपी सर आपकी सहयोगी थी, जेजेपी आपकी सहयोगी थी शर्मा साहब, लेकिन इस बार तो आप अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई संभावना भविष्य में बन सकती है कि कहीं मामला फंसा तो फिर कुछ सहयोगियों को जो पुराने थे उनको साथ ले? ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, ऐसा है हमने पिछली बार भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। हाँ, हमारा चुनावी समझौता नहीं था, ठीक है, हमारा बाद में सरकार चलाने का समझौता हुआ, ठीक है, बाद में गुंजाइश रहती है, जनता के आशीर्वाद से, ठीक है, जनता के आशीर्वाद से हमारे को, और हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, राजनीति में दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा, ठीक है। अग्रवाल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से कुछ बता दीजिए, क्लोजिंग कमेंट दीजिए। एक तो मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा ध्यान से सुनना और इनसे कहूँ मुझे डिस्टर्ब ना करें, ये तो चार गोयल का पूछ रहे, मैं उसी का जवाब। अग्रवाल साहब से ये पता क्या है, ये उनकी बातें करते हैं शुरू और कभी वो भी काले लोग फोन उतराते हैं और ये धमकी भी देते हैं हमारे को, जवाब नहीं देते, जनता देख रही है, जनता काम कर रही है, हमने जनता के ऊपर जोर दिया, हमने जनता के ऊपर जोर दिया। हाँ, अब आ रही, आरोप लगाता है फिर भाग जाता है, अब ये जवाब नहीं सुनेगा। हाँ, बोलिए बोलिए अग्रवाल साहब, बोलिए, ठीक है, शर्मा साहब अग्रवाल साहब को भी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, अग्रवाल साहब बोलिए, क्लोजिंग सुनिए। कुणाल भाई, हाँ, 5600 करोड़ रुपए की बात पुलिस बोल रही है, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, 5600 करोड़ की बात पुलिस कर रही है, दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अंदर नहीं। शर्मा साहब आप सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, देखिए एक तो ये मुद्दा था नहीं, लेकिन अब ठीक है, आपने इस मुद्दे को लाया तो जवाब दे रहे। हाँ बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ सर कुणाल भाई कि 5600 करोड़ रुपए की कोकीन दिल्ली में कैसे पहुंची, ये बड़ा प्रश्न है इस बात का कि वो किसी अपराधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बात करेंगे तो हर पार्टी में इस तरह के ऐसे तत्व निकलेंगे। बनारस की भी वो घटना कोई नहीं भूल सकता है, जब बीजेपी के आईटी सेल के लोग ही एक कथित दुराचार के मामले में गए थे सर, इसलिए पार्टी वाले बात पे नहीं आएंगे, सबको पता है सर, उस पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। आज बात हम कर रहे थे चुनाव में टिकट से वंचित होने के बाद बगावत की, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, सबसे इम्पोर्टेंट है 5 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा का किला कौन फतह करेगा और कौन इस बार बाजी मारेगा, क्या तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार, या इस बार कुछ ऐसा उलटफेर होगा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और हरियाणा में एक नई बयार बहेगी। हमारे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।